हेलो गाइस, हाउ आर यू? फिर वेलकम माय यूट्यूब चैनल दी जिसान स्टाइल। दोस्तों, अगर आप इस वीडियोस को मिस करते हैं तो आप भी बाद में जो है इस तरह से रोने लगेंगे। तो इस वीडियोस को मिस मत करना, पूरा वीडियोस को जरूर देखना। इसमें बताने वाला हूं आपको इंस्टाग्राम से 6-7 ऐसा टिप्स एंड ट्रिक जो आप देख के चौंक जाएंगे। आप इस वीडियोस में जानने वाला है इंस्टाग्राम के 7 या 8 जो है टिप्स जो सेटिंग से है, आपको जरूर जानना चाहिए अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं। तो इस वीडियोस पे आप बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। काफी लोग जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वीडियोस के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसी पे आपको प्यार से क्लिक कर लेना होगा, बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर लेना होगा, ताकि आप जो इस चैनल से जुड़े आएंगे जितना सारा टॉपिक वीडियोस आएंगे वो आप देखेंगे, बिल्कुल फ्री में सीखेंगे। काफी लोग जो है ऑलरेडी इस चैनल से जुड़े हुए हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो इंस्टाग्राम से रिलेटेड तो मुझे जो है इंस्टा और फेसबुक में फॉलो जरूर कर लेना, लिंक आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल। काफी हेल्पफुल वाले वीडियोस जो ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड किया हुआ है इसी चैनल पे, तो आप एक बार जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। सो गाइस, इसके लिए इंस्टाग्राम के सभी फीचर्स को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम जो है सर्च कर लेना है। जैसे ही इंस्टाग्राम यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको क्या करना है, अपडेट कर लेना है। ओके, जैसे ही आप जो है अपडेट करोगे इंस्टाग्राम का जो मेन जो एप्लीकेशन है वही आपको यूज़ करना होगा। अगर आप जो है लाइट वर्जन यूज़ करते हैं तभी आपको जो है अच्छे जो है क्वालिटी देखने को मिलेंगे, बट आपको हो सकता है कि उसमें सभी फीचर्स आपको देखने को ना मिले। ओके, तो यहाँ से आपको अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने से उसमें जितने सारे प्रॉब्लम है वो हट जाएगा और जितने सारे न्यू फीचर्स है वो उस पे ऐड हो जाएगा, जिससे मदद से आप इजीली स्मूथली आप जो है उसे यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको जो है मेरे इंस्टाग्राम में पासवर्ड से जो है देखने को आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, ओके, फिंगरप्रिंट हो गया, पैटर्न हो गया, कुछ भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं बिना कोई थर्ड एप्लीकेशन यूज करे। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियोज है, वो देख के आप सीख सकते हैं। तो इंस्टाग्राम आप जैसे ही ऑन करोगे इस तरह से आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। तो नीचे की ओर जो लोगो है आपका, तो इसी लोगो पे आपको क्लिक कर लेना है। ओके, जैसे ही आप जो है क्लिक करोगे इस तरह से आएंगे। रुको जरा, सबर करो। दोस्तों, अगर आपको मुझे कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम फेसबुक में फॉलो जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, एक बार आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम में आके चेकआउट जरूर कर लेना। आपको नाम जो यहाँ पे शो अप हो रहा है जी जिसा इंस्टॉल करके, जैसे ही इंस्टाग्राम में आप जो है सर्च करोगे मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, काफ़ी सारे रील्स वीडियोज जो है वो आप देख के मजे ले सकते हैं। ओके, तो आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, ऊपर की ओर जो यहाँ पे 3 लाइन जो है दिख रहा है इसी 3 लाइन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरह से आपको सेटिंग जो है देखने को मिल रहा है। तो सभी आप यहाँ पे और भी सारे काफ़ी सारे सेटिंग है, तो इसके बारे में मैं अगले वीडियोज़ में बात करूँगा। अगर आपको कुछ भी छूट जाए, आपको चाहिए, तो मैं अगले वीडियोज़ में बता दूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पे सेटिंग का जो ऑप्शन है इसी पर मैं क्लिक करता हूँ, और इसके अंदर काफ़ी सारे सेटिंग जो है करना होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एंड काफ़ी आपको हेल्पफुल रहता है आपके लिए। तो यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से आपके सामने एक मेन्यू जो है ओपन हो गया। यहाँ पे फर्स्ट में बात कर लेते हैं फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड। यहाँ पे मैं जो है क्लिक करूँगा, इस तरह से आपको जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इन्वाइट फ्रेंड्स बाई मेल। अगर अपने दोस्तों के पास अपने जो है इंस्टाग्राम का आईडी अगर शेयर करना चाहते हैं ताकि आपका जो है फॉलोअर्स बढ़े, अगर आप उसको जो है फॉलो कराना चाहते हैं, ओके, तो यहाँ से आपको मेल के जरिए से अगर क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो मेल के जरिए से आप उसे जो है इन्वाइट कर सकते हैं। इन्वाइट फ्रेंड में SMS के जरिए से आप भेज सकते हैं। अगर आप इन्वाइट फ्रेंड्स अनदर एप्लीकेशन की मदद से आप शेयर करना चाहते हैं तो इस पे आपको क्लिक कर लेना होगा। इस तरह से ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ से जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं जिसकी मदद से अपने दूसरे के पास शेयर करना चाहते हैं अपने आईडी को, ओके, उसको फॉलो कराने के लिए, तो वो आप यहाँ पे व्हाट्सएप जो है फेसबुक से आप भी सेंड कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैं यहाँ से बैक आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है नोटिफिकेशन। जैसे ही आप मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक करूँगा इस तरह से आपको जो ऑप्शन जो है काफ़ी सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये है पाउज नोटिफिकेशन। अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन नहीं चाहते हैं तो इसको आपको ऑन कर देना है। जैसे ऑन करोगे इस तरह से आएंगे, तो कितना टाइम के बाद आप जो है यानी ऑप्शन लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल ऑन ही रखूँगा। उसके बाद ही यहाँ पर आ रहा है पोस्ट स्टोरीज एंड कमेंट। अगर आप स्टोरी जो है लगाते हैं उसमें अगर लाइक कमेंट ये अगर आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। लाइक देख सकते हैं फॉर एवरीवन, किसी को भी अगर लाइक कराने के लिए छोड़ सकते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर ऑफ कर देते हैं तो कोई बंदा जो है कोई पर्सन जो है लाइक नहीं कर सकता है। उसके बाद उसी तरह है कमेंट। अगर ऑफ कर देते हैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकता है। एवरीवन में अगर क्लिक करते हैं फ्रॉम एवरीवन, तो कोई भी क्लिक कर सकता है, कमेंट कर सकता है। ओके, फ्रॉम पीपल आई फॉलो यानी जिसे आप फॉलो किए हैं, आपको फॉलो किया है, वो जो है यहाँ से आप क्लिक करते हैं तो सिर्फ वही लोग जो है आपको कमेंट कर सकता है। इसके अलावा अगर नहीं कमेंट कराना चाहते हैं किसी से तो आप ऑफ में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से बैक आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स। इस पर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आएंगे। न्यू फॉलोअर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑन रखिए, अगर आप ऑफ कर देते हैं। अगर आपको फ्रेंड फॉलोइंग नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपके फोन में जो है ऑफ में सेटिंग किया हुआ है। उसी तरह एक्सेप्ट फॉलोइंग रिक्वेस्ट अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑन पे टिक करना है। अगर फॉलोइंग जो है फ्रेंड फॉलोइंग को भी अगर कर रहा है आपको फॉलो करने के लिए, तो आपको
ऑन करके रखना है, तभी आप जो है पता कर पाएंगे कि हाँ ये पर्सन जो है आपके फॉलो रिक्वेस्ट जो है भेजा है आपके पास, जिसे आप कंफर्म कर सकते हैं अगर आप ऑन पे क्लिक करके। इसके बाद मैं यहाँ से बैक आता हूँ, यहाँ पे आया मैसेज एंड कॉल्स में, अगर आप क्लिक करते हैं तो ये भी मैसेज अगर लेना चाहते हैं तो ऑफ करके रखिए, ऑन करके रखिए। अगर आप मैसेज किसी भी मैसेज को अगर आप नहीं लेना चाहते हैं इंस्टाग्राम में तो ऑफ में क्लिक करके आप देख सकते हैं, ग्रुप हो गया, मैसेज हो गया, ये अगर आप सेटिंग कर लेते हैं। तो कोई भी जो है यहाँ पे वीडियो चैट अगर आप करना चाहते हैं तो फ्रॉम एवरीवन में अगर क्लिक करते हैं तो किसी के साथ भी आप वीडियो पे चैटिंग कर सकते हैं। अगर ऑफ में क्लिक कर देते हैं तो कोई भी किसी से भी चैट नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह यहाँ पे है लाइव एंड वीडियोस, ओके। यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो लाइव वीडियोस अगर आपको देखना है तो यहाँ पे ऑन करके रखिए, अगर नहीं देखना है तो यहाँ पे ऑफ कीजिए। उसके बाद वीडियोस अपलोड अगर करना चाहते हैं तो ऑन रखिए, जाहिर से बात है वीडियोस अपलोड करते हैं तो ऑन रखना है, ओके। अगर नहीं करना चाहते हैं तो ऑफ में कर लीजिए। कोई भी पर्सन जो है आपके आईडी पे वीडियोस को अपलोड नहीं कर सकता अगर आप ऑफ कर देते हैं। यहाँ से आपको ऑन करना है तभी आप कर सकते हैं। वीडियो व्यूज एंड कंटेंट, वीडियोस में जितने सारे व्यूज है अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑन रखिए, अगर आप ऑफ कर देते हैं तो कितने व्यूज है वो आप मालूम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो मैं यहाँ से बैक करता हूँ, ओके, यहाँ पे आपको जो है देखने को मिले नोटिफिकेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे है क्रिएटर में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप अपने जो है वीडियोस में एड्स चलाना चाहते हैं तो एड पेमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से आप कुछ पैसे देना होगा तभी आपके जो है एड्स चलेगा आपके आईडी में, ओके। तो ये पेमेंट वाला था तो मैं यहाँ पे प्राइवेसी में क्लिक करूँगा। प्राइवेसी में जैसे ही क्लिक करूँगी यहाँ पे है अकाउंट प्राइवेसी, अगर आप प्राइवेट अकाउंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑन कर देते हैं तो आपका अकाउंट जो है प्राइवेट हो जाएगा इंस्टाग्राम का। अगर आपको चेकआउट भी कर लेना है, अगर आप यहाँ पे ऑन किया हुआ है तो समझ लो आपका अकाउंट जो है प्राइवेट किया हुआ है, जो भी पोस्ट करते हैं वो वायरल नहीं होगा और कोई भी जो है पर्सन जो है उस पर नहीं आ पाएगा। उसी के साथ यहाँ पे यह है और भी आपको कमेंट देखने को मिल रहा है, हाइडन वर्ड्स देखने को मिल रहा है। अगर कुछ गलत कमेंट कर रहा है अगर आप उसे हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हाइड कमेंट में क्लिक करके आप जो है उसे हाइड भी कर सकते हैं जितने सारे कमेंट है, ओके। यहाँ पे कमेंट हो गया, पोस्ट में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे है लाइक्स एंड व्यूज़, हाइड लाइक्स एंड व्यूज़। अगर जितने सारे आपके पोस्ट पे लाइक एंड व्यूज़ आ रहा है अगर आप उसको जो हाइड करना चाहते हैं यहाँ पे आपको ऑन कर देना है, वो हाइड हो जाएगा। उसके बाद अलाउ टैग्स फ्रॉम, अगर आप टैग्स में यानी आपके जो भी पोस्ट हैं उसके साथ अगर कनेक्ट करना चाहते हैं किसी भी पर्सन को तो यहाँ पे आपको एवरीवन पे क्लिक करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट फ्रॉम शॉप्स, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो कोई भी मैसेज आपके आएगा, आपके पास आएगा यानी उससे जो है शॉपिंग करवाने के लिए। इसके बाद जो है यहाँ पे आ रहा है मेंटेंस, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे है एवरीवन, एवरीवन में अगर आप क्लिक करके रखते हैं तो जो भी कोई भी अगर आप जो है पोस्ट करेगा वो अपना फोटोज़ अगर आपको जो है ऐड करना चाहे तो आपको एवरीवन पे क्लिक करके रखना है ताकि वो जो है अपने पोस्ट के साथ आपको भी ज्वाइन कर पाए। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं स्टोरी, स्टोरी में अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आएंगे। यहाँ पे है पीपल, यहाँ पे देख सकते हैं हाइड योर स्टोरी एंड लाइव वीडियोस फ्रॉम स्पेशल पीपल। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यानी जिसके साथ भी अगर आप अपने पोस्ट को हाइड करना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, अगर आप उसको दिखाना नहीं चाहते हैं अपने लाइव वीडियोस अपने पोस्ट को तो यहाँ पे आपको वो जो है इस पर टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको डन वाला बटन में आपको क्लिक कर लेना है ताकि वो पर्सन जो है आपकी स्टोरी जो है ना देख पाए, ओके। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को अपने दोस्त के पास शेयर करना चाहते हैं, स्पेशल लोगों के पास, सिर्फ जो है चाहते हैं कि इन इन लोगों को ही जो है मेरा स्टोरी देखे तो यहाँ पे है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है जीरो पीपल में। और जिसके पास आप जो है शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ओके। उसके बाद क्लिक ऑप्शन में क्लिक करके आपको क्या करना है, नीचे पे डन पे आपको क्लिक कर लेना है। सिर्फ वही लोग जो है आपका जो है स्टोरी जो है देख पाएगा जो आपका फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे है रिप्लाइंग, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे एवरीवन पे तो जो भी वो मैसेज पे आपका जो है स्टोरीज पे अगर कमेंट करना चाहे अगर आप उसको ऑन रखना चाहते हैं तो एवरीवन पे आपको क्लिक करना है। अगर आप नहीं चाहते हैं कोई भी मैसेज स्टोरीज पे वो कमेंट करे तो यहाँ पे ऑफ कर देना है ताकि वो कोई भी कमेंट नहीं कर पाएगा। उसके बाद है यहाँ पे सेविंग, सेविंग वाला बटन में अगर क्लिक करते हैं सेव स्टोरी टू अचीव में अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो जो भी आप स्टोरी बनाते हैं आपके जो है इंस्टाग्राम में ही वो सेट हो जाएगा, ओके। सो दोस्तों आई होप के वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल लगा हो, तो यही तक हम जो है स्टॉक करते हैं वीडियोस। और भी काफी सारे सेटिंग है जो कि आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। सो आई होप कि वीडियोस काफी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भी इसी तरह टेक्निकली वीडियोस के लिए काफी वीडियोस जो है ऑलरेडी मौजूद है इस चैनल पे, तो वहां पे आप जाइए देखिए, काफी चीज जो है आप सीख सकते हैं फोन से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड। तो चलिए इस वीडियोस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे।